बेलगाम के दो दिन के दौरे पर है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य शरद पवार। जिले में विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे कोल्हापुर से बेलगाम पहुंचने के बाद इन्होंने हिंदवाड़ी के स्वर्गीय अरविंद गोगटे के आवास पर जाकर उन्हें सांत्वना दी। चिक्कोड़ी में चिदानंद कोरे सहकारी शुगर फैक्ट्री के एथेनॉल घाटक का शिलान्यास के बाद अंकली गांव में वीर रानी कित्तूर चेन्नम्मा की मूर्ति का अनावरण किया। बेलगाम में कल सुबह हो रहे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के 75वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम और दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडल सुवर्ण महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रमेश जारकीहोली स्वामित्व वाले चीनी कारखाने पर 600 करोड़ का कर्ज बकाया आरोप। डीके शिवकुमार द्वारा दिए गए रमेश जारकीहोली का सीएम बोम्माई मंत्री एसटी सोमशेखर के साथ साठ गांठ के बयान पर इन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं सहकारी मंत्री के तौर पर कह रहा हूं कि एडजस्टमेंट का सवाल ही नहीं। आज डीसीसी बैंक का रिव्यू किया है, जो भी गलती होगी उन्हें सीधे बताऊंगा। कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, यहां सार्वजनिक अपना पैसा रखते हैं। गलती करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, नो एडजस्टमेंट। वहीं इन्होंने रमेश जारकीहोली द्वारा लिए गए लोन माफ करने के सवाल पर कहा कि किसी के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, किसी का भी लोन माफ नहीं किया जाएगा। नोडी नानु साकार सचिवनागि हेळ्तेने, नन्न जायमानदल्लि नो क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट। ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಏನು ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ। ಅಫೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರಾಗಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ। ಅದನ್ನು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ। ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ರೀ। ಅಫೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅಫೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಫೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ। ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇನ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಮೇ ಚಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸಭಾ। ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಕೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇ ಕರೀಬ್ ಡೇಢ್ ಘಂಟೆ ತಕ್ ಚಲಿ ಲೋನ್ ಪರ್ ಸಭಾ। इस दौरान इन्होंने जिले के 23 शुगर फैक्ट्रियों द्वारा लिए गए लोन की जानकारी प्राप्त की। सभा में अधिकारियों ने कहा कि रमेश जारकीहोली और लक्ष्मी हेब्बालकर इन्होंने बेलगाम डीसीसी बैंक से लोन नहीं लिया है। विजयपुर, शिरसी, तुमकुरु और मंगलुरु में रमेश जारकीहोली ने लोन लिया है। विजयपुर डीसीसी बैंक से लक्ष्मी हेब्बालकर ने लोन लिया है, वे लोन और ब्याज वक्त पर भर रही है। लेकिन रमेश जारकीहोली इन्होंने पिछले दो सालों से लोन के साथ ब्याज भी नहीं भर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि कई बार इन्हें बैंक द्वारा नोटिस भी भेज दी गई है। भ्रष्टाचार कर रहे डीसीसी बैंक और शुगर फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कर्नाटक राज्य रैत संघ और हसीरु सेने के पदाधिकारियों ने आज बेलगाम पहुँचे सहकार मंत्री एसटी सोमशेखर को अपना ज्ञापन सौंपा। इन्होंने सहकार मंत्री से विनती करते हुए कहा कि शुगर फैक्ट्रियों में हुए अव्यवहार में शामिल सभी राजनेता अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान राज्य रैत संघ और हसीरु सेने के चन्नप्पा पुजेरी, राघवेंद्र नायक, प्रकाश नायक, शिवानंद मुगलिहाल और अन्य मौजूद थे। सहकार मंत्री सोमशेखर के राज्य में 6,000 करोड़ रुपए एपेक्स और डीसीसी बैंक के बकाया के बयान पर एमएलसी चंद्रराज हट्टीहोली इन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर्ष शुगर फैक्ट्री के स्थापना के दौरान इन बैंकों से लोन लिया गया था, जिसके लोन और ब्याज का भुगतान ठीक वक्त पर किया गया है, किसी तरह का बकाया नहीं है। नमस्कार, इवत्तु बेळगावियल्लि सहकारी सचिवराद मान्य एसटी सोमशेखर अवर हेळिकेयन्न नोडिदे। ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ನಿಜ, ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಒಡೆತನದ ಹರ್ಷ ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಟ್ಟುಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ।
ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಅಸಲನ್ನು ಕಂತು ಕಂತಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂತ ಬಂದೆವು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಕೆಲವು ಜನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಅಸಲನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಎರಡೂ ತುಂಬಿಲ್ಲಂತ ನಾವು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿದಾಗ ಬರ್ತೇವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ ಅಸಲು ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ बेलगाम सिटी कॉरपोरेशन द्वारा हिंदू समाज में होने वाले अंतिम विधि को मुफ्त करने का फैसला लिया गया है। अंतिम विधि को हिंदू रीति रिवाजों के साथ करने का जिम्मा सुरेंद्र शिवाजीराव अनगोलकर फाउंडेशन ने उठाया है। इसी के चलते इन्होंने लोगों से अंतिम विधि के कार्य में लगने वाले उपली और कापुर के लिए डोनेशन देने की अपील की थी। श्री राम सेना हिंदुस्तान के मुखिया रमाकांत कुंडूसकर इन्होंने इनकी अपील पर 5000 उपलियां देकर इनके इस नेक काम में मदद की है। सुरेंद्र अनगोलकर ने श्री राम सेना हिंदुस्तान और रमाकांत कुंडूसकर इनका शुक्रिया अदा किया। इच्छा होती ने जे फ्री अंत विधि साठी शुरुआत जी होता है तर त्यासाठी धार्मिक पद्धति ने आम्ही शेनी व कापूर याच्यावर अंत्यविधि करणार आहोत व त्या कार्यासाठी ज्या शेनी लागणार आहेत त्यात एक मोठा सहभाग रमाकांत दादांनी दाखवलेला आहे। रामसेना हिंदुस्तान संघटनेच्या वतीनं त्यांनी आज आपल्याला शेनी दान स्वरूपात दिलेले आहेत व असाच त्यांचा सहकार आमच्याशी राहू देत व या कामासाठी असेच दानशूर व्यक्तींनी शेनी या कार्यासाठी दान कराव्या ही विनंती आज मी सुरेंद्र अनगोळकर फाउंडेशनतर्फे सर्वांना करत आहे। महानगरपालिकेनं या मोफत अंतिम संस्कार करण्यासाठी जो त्यांनी एक उपक्रम राबवलेला आहे त्या कामासाठी आपण श्रीरामसेना हिंदुस्तानच्या माध्यमातून आणि समाज समाजच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून आपण आज या ठिकाणी या शेनी या दिलेल्या आहेत। मी सर्व दानशूरांना एक विनंती करू इच्छितो की ज्यांनी कोणाला काही मदत करायची असेल तर सुरेंद्र अनगोळकरांशी संपर्क साधावा जेणेकरून गोरगरीब जनतेसाठी तिथं सहकार्य मिळावं असं मी एका समाजाला विनंती करू। हमें सपोर्ट करने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देश और दुनिया की मौजूदा हालात पर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए बी चैनल, कलम हमारी आवाज़ आपकी।